एवरीवन, वी आर बैक। सो इस वक्त जो है ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर के ऊपर कई कंट्रीज भी अग्री कर गई हैं कि ये 0.9 डिग्री डेफिनेटली इंक्रीज कर चुका है, और आईपीसीसी ने ये भी एस्टेब्लिश कर दिया है कि ये ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से है, ये नेचुरल फिनोमिना की वजह से नहीं है। ठीक है, तो ये भी अब एस्टेब्लिश हो चुका है, जिसके बाद अब गवर्नमेंट्स भी मान गई हैं, और पहली बार COP21 के अंदर, पेरिस के अंदर, इवन चाइना ने भी एग्री किया इस बात के ऊपर कि वो भी अपने क्लाइमेट के, अपने एनवायरमेंट, ग्रीन हाउस गैस के मिशन जो है वो कम करेंगे। अमेरिका ने पहली बार एग्री किया कि वो कम करेंगे। इससे पहले एक फाइट चलती रहती थी, फाइट ये थी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होती थी वो कहती थी कि जी हमारे पास तो पहले कुछ नहीं है, हम गरीब मुल्क हैं। ठीक है, ये आपका चैप्टर वन की जो डिस्कशन, उसमें आपने देखा होगा कि 85% वेल्थ भी इनके पास है, वेस्ट भी यही जनरेट कर रहे हैं, एमिशन भी ये जनरेट कर रहे हैं, तो वो जो बाकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके पास तो 15-20-25% बचता है सारा कुछ। तो कहते हैं हमारे पास रिसोर्स कोई नहीं और पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, हम कैसे क्लाइमेट की तरफ कंट्रीब्यूट करें, हमारी हेल्प ये डेवलप्ड कंट्रीज करें जो सबसे ज्यादा बिजली यूज कर रही है, सबसे ज्यादा ये रिसोर्सेज यूज कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा जो अमेरिका में पैदा होता है वो अपने पहले ईयर, जो उसका पहला ईयर है, ठीक है, फर्स्ट बर्थडे तक इतने एमिशंस प्रोड्यूस कर चुका होता है, इतनी कार्बन अर्थ के एटमॉस्फेयर में रिलीज कर चुका होता है जितनी कोई एक बंदा नाइजीरिया के अंदर पूरे लाइफ टाइम में नहीं करेगा। दैट्स अ फैक्ट, क्योंकि हर चीज के लिए एनर्जी उसके लिए। जी सर, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक साल के अंदर अंदर ही वो इतनी प्रोड्यूस कर ले? चलें आपको एग्जांपल देता हूं भाई, नाइजीरिया के अंदर उनके पास बिजली होगी नहीं, दिन में एक आधा बल्ब जलाना है, एक आधा पंखा चला लेना, उसने बड़ी से बढ़िया देख कूलर चला लेगा। यहाँ अमेरिका के अंदर घरों को वार्म करने के लिए बिजली के ऊपर हीटर्स चलेंगे, ठीक है, बिजली पे ही खाना बनेगा, बिजली पे माइक्रोवेव चलेगा, फ्रिज चलेगा, सारी एयर कंडीशनिंग उसके ऊपर है, फिर डिफरेंट टूल्स वो घर पे यूज कर रहे हैं, फिर वो जो घर बनाया हुआ है उसको बनाने के ऊपर अच्छे खासे मटेरियल्स लगे हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा नाइजीरिया वाले ने घर के अंदर क्या क्या रख लेना है, उसका छोटा सा एक घर होगा मिट्टी का बनाया हुआ मुश्किल से। सिमिलरली अगर सीमेंट का भी बने तो कितना बड़ा होगा और कितनी एनर्जी उसने यूज करनी है। सिमिलरली जो ये रिसोर्सेज अपने घर के अंदर रखेंगे, जो स्टीरियो सिस्टम भी हो, गाड़ी भी हो, टीवी भी हो, दुनिया की हर फैसिलिटी उन्होंने रखनी है अपने पास, और सामान फालतू रखना है। इवन कई मैंने ब्रिटिश और ये स्टेट्स के लोग देखे हैं जिन्होंने अपने घरों के अंदर वार्डरोब भर के रखी हुई है, पूरी 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 एक वार्डरोब दीवार के साइज की, सुंदर सिर्फ जूते ही पड़े हैं। नाइजीरिया वाले ने पूरी जिंदगी के अंदर कुछ 4-5-6 जूतों के सेट ले लेने हैं मुश्किल से, फिर वो साइकिल पे यूजुअली ट्रांसपोर्ट करेगा या पैदल चल के जाएगा या मैक्सिमम मोटर बाइक यूज कर लेगा। मोटर कहाँ, मोटर बाइक पेट्रोल यूज करता है 70 किलोमीटर 1 लीटर के अंदर, कहाँ पर एक कार लेती है कि 2-4 किलोमीटर चलती है मुश्किल से 1 लीटर के अंदर। सो इट मेक्स अ डिफरेंस। तो वो जो बच्चे के पैंपर ही है ना सिर्फ, वो इतनी ज्यादा कार्बन रिलीज करवा दे तो उसके अंदर इतना सारा ऑयल, इतने सारे मटेरियल्स यूज होते हैं, इतने सारे दरख्तों की पल्प यूज होती है। वो जो बच्चे के एक साल के पैंपर्स ही है ना, वही नाइजीरियन के कई सालों के ग्रीन हाउस गैस एमिशन से ज्यादा हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो उसके अंदर काउंट हो रही होती है। ये फैक्ट्स हैं जो कि आगे आने वाली वीडियो के अंदर आपको बताए जाएंगे, आपको दिखाए जाएंगे, डोंट वरी। सो डेवलपिंग कंट्रीज कहती जी हमारा बंदा इतने एमिशन भी नहीं क्रिएट करता, हमारे पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं, हम गरीब हैं, हमें आप दें, हमारा अगर कोई प्लांट है जो ज्यादा वेस्ट कर रहा है चीजों को, तो उसके लिए जो टेक्नोलॉजी हमें उसको ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए चाहिए वो टेक्नोलॉजी आप देंगे, टेक्नोलॉजी आपके पास है। और डेवलप्ड कंट्रीज कहती थी जी कि हमारा क्या कसूर है जी, हमने अगर, क्योंकि वो डेवलपिंग कंट्री थी कि सारा फायदा तो आपने उठाया है, सारी यशी तो आप लोग कर रहे हैं, और जो डेवलप्ड होती थी वो कहती थी कि जी हम तो अपना जो हमारे, हमने अपना काम किया, हम अपनी मेहनत से कर रहे हैं सारा कुछ, हमारी इतनी डेवलपमेंट है इतने सालों की, हमारे लोगों ने मेहनत की हुई है, तो इसके अंदर अब हम आपको क्यों हेल्प करें, हम अपने लोगों को क्यों ना हेल्प करें, हमारे लोगों का पैसा हम अपने लोगों के ऊपर लगाएंगे। तो इनकी ये लड़ाई कॉन्स्टेंटली चलती रहती थी, और वो कहते थे कि आपके पास लोग ज्यादा है, ये लोग ज्यादा क्रिएट करते हैं। अब जाके फाइनली सब ने एग्री किया है कि हम इसके ऊपर काम करेंगे। इवन अभी भी आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस एग्रीमेंट से बैक ऑफ कर दिया था और उसने वापस आ गया था, अब जाकर बाइडन दोबारा आया है, तो बाइडन ने जाके दोबारा पेरिस एग्रीमेंट के साथ क्लाइमेट चेंज के अंदर साइन किया है। और 2017 की एक रिपोर्ट थी क्लाइमेट के ऊपर जो ट्रंप ने रिलीज नहीं की थी, जो अब जाके बाइडन ने रिलीज की है। तो इवन स्टेट्स 5 साल पीछे चला गया उसके अंदर, और जो बाइडन की वो फोटो जब उसने तब वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर ओबामा टाइम के अंदर साइन किया था इसने जाकर पेरिस एग्रीमेंट पेरिस के अंदर, तो उसकी फोटो वो आज भी आप देख लेंगे, कई न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस थी
क्योंकि बाइडन खुद अकेला नहीं गया था, बाइडन साथ अपनी जो है उसकी ग्रैंड डॉटर जो है उसको साथ लेकर गया था और उसको गोद में बिठाकर उसने एग्रीमेंट साइन किया था। और ये एक सिंबॉलिक जेस्चर था अमेरिका की तरफ से कि हम अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए ये एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग इट फॉर अस, क्योंकि उन लोगों ने तो अपनी लाइफ के अंदर सारे वो एमिशंस कर दिए, यूज कर ली चीजें। ओके, इसके अलावा किसी की कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन? मैं एक्चुअली जानना चाह रहा हूं आपको कितनी समझ आई है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें से आपके क्वेश्चंस होंगे, आपके पेपर में चीजें पूछी जाएंगी और एक्चुअली जो अगले चैप्टर्स आने वाले हैं उसके अंदर इसमें से बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस होंगे। और मेरे समझाने से ज्यादा मुझे लगा था कि ये एनिमेशन देख के आपको सामने क्लियर हो जाएगी चीजें कि कैसे हो रही हैं ये चीजें। सो अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है, कुछ मिस हो गई है, तो मुझे प्लीज बता दें, मैं आपको वो आंसर्स क्लियर कर दूं, फिर हम आगे चलेंगे। जी सर, एक और है। जी जी सर, ये जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है या सर, ये चार्ज पार्टिकल्स को मतलब कि आने नहीं देती एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है? तो सर जैसे एक मैग्नेट होता है वो किसी ना किसी टाइम के बाद अपनी मैग्नेटिक फील्ड लूज कर देता है। ओके, तो सर अर्थ नहीं लूज कर रहा अपनी? एक तो ये डिफरेंस नोट कर लें कि एक परमानेंट मैग्नेट होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेट वो होता है जो कि मैग्नेट नहीं होता, वो कॉइल होती है बेसिकली वायर की, जिसके अंदर से जब करंट पास किया जाता है तो वो मैग्नेट बन जाता है। उसको आप ज्यादा भी कम भी कर सकते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव भी कर सकते हैं, ठीक है? एक होता है परमानेंट मैग्नेट, जो मैग्नेट होता है और वो चीजों को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा होता है, ठीक है? अब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए आपको अर्थ का स्ट्रक्चर देखना होगा, जो कि आपने पिछली वीडियोस में देखा हुआ है, ठीक है? अर्थ की कोर के अंदर ये थिया कोलिजन के टाइम के ऊपर जितना मॉल्टन जो आयरन था और निकल था, ये उसकी कोर में जाकर पहुंच, क्योंकि सारी अर्थ मेल्ट हो गई तो सरफेस के ऊपर भी जितना था लोहा और जितना भी निकल था, ये सारे हैवी मेटल्स जो थे ये मेल्ट होकर बिल्कुल कोर में चले, क्योंकि ये डेंस है ना, डेंस चीज सबसे नीचे चली जाती है, तो ये बिल्कुल कोर में चले गए और कोर में जाकर ये स्पिन होने लगे, क्योंकि अर्थ भी स्पिन हो रही थी, तो वो जो कोर के अंदर मैग्मा है और ये सारा कुछ है, ये स्पिन होता है। तो ये जो निकल और आयरन की कोर बनी बिल्कुल, तो इतनी ज्यादा डेंस ये कोर थी, इतनी ज्यादा हो गया इसके अंदर निकल और आयरन का कॉन्टेंट कि वो एक अच्छी खासी बड़ी बॉल बन गई कोर के अंदर सेंटर में, जो कि मार्स की नहीं है, इसलिए मार्स का मैग्नेटिक फील्ड वीक है, क्योंकि उसके साथ कैसी थिया जैसी कोई कोलिजन नहीं हुई होगी, जिसकी वजह से बहुत सारा जो सरफेस के ऊपर पड़ा था लोहा और निकल वगैरह, ये सारा उसके कोर में जाकर मेल्ट होकर बिल्कुल उसकी कोर बनाता, ठीक है? ये जब स्पिन हो रहा था तो इसकी स्पिन की वजह से, स्पिनिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, क्योंकि वो आज भी अर्थ के अंदर स्पिन हो रहा है। और ये अर्थ की कोर कितनी है और इसके अंदर मैग्मा कितना है, इसके लिए मैं आपको ये बता दूं कि जो अर्थ की सरफेस है ना, वो बेयरली कुछ किलोमीटर डीप है, उसके बाद सारा का सारा मैग्मा है और जो कि अभी भी गर्म है, वार्म है, और उसके बाद कोर आती है, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स हैं ये, ठीक है? तो ये चीज एक नोट करने वाली है कि जो अर्थ की सरफेस है वो इतनी थिन है कि जैसे कि एप्पल का छिलका नहीं होता, तकरीबन उतनी थिन है। इसी वजह से ये टेक्टोनिक प्लेट्स में टूट कर एक दूसरे के साथ कोलाइड करती रहती है और ये टेक्टोनिक एक्टिविटी होती रहती है, क्योंकि मार्स की कोर जो थी वो इतनी ज्यादा मोल्टन नहीं थी और उसकी जो सरफेस थी वो ज्यादा स्ट्रांग थी, तो वो टेक्टोनिक प्लेट्स में ब्रेक नहीं हो सकती और वो बड़ी रिजिड किस्म की है, ठीक है? अब इसके अंदर जो अर्थ की कोर के अंदर, क्योंकि इतनी अभी तक वो मोल्टन है सारी की सारी, तो वो जो कोर के अंदर एक डेंस बॉल बन गई है मोल्टन मेटल की, आयरन की, निकल की, वो कॉन्स्टेंटली स्पिन करती है, पिछले कई मिलियंस ऑफ ईयर से कर रही है, और उसकी स्पिन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। और ये जब तक है तब तक, जब तक ये सॉलिड नहीं हो जाती तब तक तो ये क्रिकेट रहेगा। हाँ, इसमें एक चीज नोटिस की गई है कि अर्थ की हिस्ट्री में ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहा है पहले भी, तो कई मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, एक जब आज नॉर्थ पोल ऊपर है साउथ नीचे, तो पहले साउथ ऊपर था और नॉर्थ नीचे था, तो इस दौरान ये होता है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो वीक हो जाता है बहुत ज्यादा और ऐसे ऐसे खत्म हो जाता है और फिर वो रिवर्स हो जाता है, अपने आप को रिवर्स कर लेता है। और कई मिलियंस ऑफ इयर्स से अभी तक ये प्रोसेस दोबारा नहीं हुई, लेकिन हो सकती है, अगेन ये अर्थ के अंदर की प्रोसेसेस है जिनको हम समझते ही नहीं, क्योंकि चंद किलोमीटर से डीप आज तक इंसान अर्थ के अंदर नहीं गया, क्योंकि आप जा ही नहीं सकते, इतना डीप डिग करके जाने की आपकी कैपेसिटी ही नहीं है। कुछ किलोमीटर तक डीप हम गए हैं चीजें निकालने के लिए, डायमंड्स, गोल्ड और इस तरह के प्रेशियस मेटल्स वगैरह निकालने के लिए, इससे ज्यादा डीप किसी ने ड्रिल नहीं किया।
तो यू कैन नॉट से कि अंदर क्या प्रोसेस चल रही है, दे डू नॉट अंडरस्टैंड इट 100%। अंदाजे हैं जिसकी बेसिस पर सारी थ्योरीज है। तो ये जो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है ये बहुत बड़ा है, अर्थ से भी बहुत ज्यादा बाहर तक स्ट्रेच करता है, और जो सन की तरफ से सोलर पार्टिकल्स आते हैं कॉन्स्टेंटली, सन अपनी रेडिएशन बाहर फेंक रहा है, ठीक है ना, कॉन्स्टेंट रेडिएशन आ रही है, लेकिन सन का भी एक जो है ना मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी भी कोर के अंदर कुछ ना कुछ मेटल है, ठीक है, उसकी वजह से उसका एक मैग्नेटिक फील्ड है। उस मैग्नेटिक फील्ड के जो लाइंस हैं वो सन की सरफेस इतनी गर्म है कि वो आपस में, क्योंकि जब स्पिन हो रहा होता है तो वो लाइंस आपस में एंटेंगल हो जाती हैं, जब वो एंटेंगल होती हैं और वो अपने आप को स्ट्रेट करने की कोशिश करती है, तो वो जब स्ट्रेटन आउट होता है तो वो एक सोलर मैस इजेक्शन की फॉर्म के अंदर एक बहुत बड़ा मैस सन से प्लाज्मा का और हीटेड पार्टिकल्स का और रेडिएशन का जो है वो बाहर की तरफ को रिलीज कर देता है। अगर ये अर्थ की तरफ को आ रहा होगा तो इसके अंदर सबसे बड़ी हमारी प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। जब ये चार्ज पार्टिकल्स ये आकर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड इसको डिफ्लेक्ट कर देता है बाहर की तरफ को, और अर्थ की तरफ नहीं आने देता। लेकिन क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड पोल्स के ऊपर जाकर तो कन्वर्ज कर रहा है ना अर्थ के अंदर को, क्योंकि अंदर से निकल के आ रहा है वहां से, तो पोल्स की तरफ को जो डाइवर्ट होते हैं पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स अर्थ के एटमोसफेयर में एंटर हो जाते हैं, और वो जब एटमोसफेयर के अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और ये डिफरेंट गैसेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो उस इंटरेक्शन की वजह से वो जो डिफरेंट कलर्स की अरोराज आती है नजर आपको, नॉर्दर्न अरोराज जिन्हें अरोरा बोरियालिस कहते हैं, और इस तरह से साउदर्न अरोराज ये नॉर्वे वगैरह इन कंट्रीज में अक्सर नजर आती है, कभी कभार ये पार्टिकल्स इतने ज्यादा होते हैं कि ये यूनाइटेड स्टेट्स तक, यूरोप की कुछ कंट्रीज तक भी नजर आते हैं। तो रात के टाइम ऐसा लगता है कि स्काई के ऊपर लेयर्स ऑफ लाइट्स जो है वो बिल्कुल घूम फिर रही है ऊपर, ग्रीन और ब्लू और लाइट रेड और ये सारे शेड्स जो है ऊपर, वो एक डिफरेंट मजेदार किस्म की एक लाइट शो टाइप का होता है। तो आप चाहें तो अरोरा बोरियालिस लिख के सर्च कर लें या अरोरा लिख के सर्च कर लें, यूट्यूब के ऊपर आपको वीडियोस बहुत सारी मिल जाएंगी इसकी। दैट इज द होल थिंग। सो वी डोंट नो व्हेन विल द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स और व्हेन विल एनी ऑफ दोस थिंग्स हैपन, क्योंकि हमें इन चीजों की एग्जैक्ट साइंटिफिक जो है ना ग्राउंड्स वो नहीं पता। एनीथिंग एल्स? नो सर। ओके, सो आई होप कि वीडियोस आपको अच्छे से समझ आ गई हैं। मैंने उसके ऊपर फिर भी इस वीडियो को भी तकरीबन एक्सप्लेन कर दिया, ज्यादातर कंटेंट मैंने इसके अंदर डिस्कस कर लिया है, कुछ मैंने पहले अभी लास्ट क्लास के साथ डिस्कस किया था वो भी मेरे पास रिकॉर्डेड पड़ा है, तो मैं वो लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा। तो लेक्चर्स हमारे एक्चुअली तो बेसिकली 3 आवर्स के हैं अब से, क्योंकि हमारा रमजान भी खत्म हो गया है, लेकिन क्योंकि मैं आपको वीडियो शेयर कर देता हूँ उसके अगेंस्ट, तो इसलिए हमारा लेक्चर अभी छोटा है। एज थिंग्स वुड ग्रो ऑन तो हम इसको देख लेंगे, कि क्योंकि आई बिलीव के सब के सब स्टूडेंट्स का एट अ सिंगल टाइम क्लास के अंदर आना इज ऑल्सो डिफिकल्ट थिंग, इसलिए मैंने उसमें भी थोड़ी सी रिलैक्सेशन आपको दी हुई है। तो विल सी, या तो मैं अगली कुछ कुछ चीजें ऐसे ही रिकॉर्ड करके भी शेयर कर दिया करूंगा, और कुछ आपके साथ एक रेगुलर सेशन हो जाए करेगा जिसमें आप अपने क्वेश्चंस ला सकते हैं उन रिकॉर्डिंग से भी, किसी और टॉपिक से रिलेटेड, किसी पुराने टॉपिक से रिलेटेड भी, जो चीज आपको समझ ना आई हो या जो आपने डिस्कस करना हो, ठीक है।